यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आपके सामने है। धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष, उपाय, राशि, नक्षत्र, ग्रह सबके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हमारा चैनल ज्योति सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योति सेवा वृंदावन के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ। हमारा जो भी अध्याय चल रहा है वो चल रहा है मंगल से संबंधित, कि मांगलिक योग अभिशाप है या वरदान है। आपके सामने मैं कई वीडियोस पर अपलोड कर चुका हूँ। आज हम बात करते हैं कि मंगल से लगन के भाव से लेकर के 12वें भाव तक, आपके सामने वीडियो है कि लगन से लेकर के और 12वें भाव तक, लगन से 12 भाव तक, यहाँ से सारे जितने भी भाव हैं हर भाव के बारे में आपको एक एक करके जानकारी दी जाएगी कि मंगल अगर लगन में है तो क्या फल है, धन भाव में है तो क्या इसे विचार करना चाहिए। लगन से विचार करेंगे, धन भाव से विचार करेंगे, सहज भाव से विचार करेंगे, सुख भाव से, विद्या भाव से, रिपु भाव से, पति पत्नी भाव से और मृत्यु भाव से और भाग्य भाव से, कर्म सबसे हर चीज़ से विचार करेंगे। आपके सामने ये विचार करते हैं, आपके सामने पहले बात करते हैं लगन से कि मंगल अगर लगन में हो तो वो जातक को क्या फल देता है। अभी इसमें हमारे जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको हम मेष लग्न में मंगल का फल, वृष लग्न में मंगल का फल, उसके बाद मिथुन लग्न, कर्क लग्न, हर लग्न के अंदर मंगल का क्या फल है ये भी आपको सारे वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। आज बात करते हैं कि मंगल से लग्न भाव से 12 भाव तक का हमें क्या विचार करना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या जो विचारणीय पॉइंट होते हैं हमारे लिए वो क्या क्या हैं। प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव कैसा होता है, ये प्रथम भाव है, इसको हम लगन कहते हैं। ये भाव नंबर एक है, मैं आपको वो लगन के बारे में नहीं बता रहा कि लगन हमारे यहाँ 12 होते हैं, लेकिन भाव है ये भाव आधारित। आपको आज मैं मंगल के बारे में भाव आधारित बताऊँ, ये भाव नंबर एक है। पहले भाव में मंगल क्या फल करता है आपको बताते हैं। भाइयों में बड़ा होगा, अन्य भाई बहन भी होंगे। प्रथम भाव में मंगल अगर बैठेगा तो भाइयों में बड़ा होगा, अन्य भाई बहन भी होंगे, वाहन भी होगा, धनी होगा, राज दरबार भी होगा, सरकारी नौकरी में ऊंचा दर्जा मिलेगा, ऐसे जातक को डॉक्टर हो सकता है और डॉक्टर नहीं हुआ तो मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी जरूर होगा। इसका जो स्वभाव है थोड़ा तीखा होगा, पुलिस में, सेना में अधिकारी हो सकता है, जल्दी जल्दी काम करने वाला होगा, उतावला होता है ऐसा जातक, महत्वाकांक्षी होता है, दुर्घटना का इसको भय रहता है और मुख पे विशेषतः इसके चेहरे पे, सिर पे या मुख पे कोई चोट का या जले का निशान इसके जरूर मिलेगा जिसका मंगल प्रथम भाव में बैठा है और यहाँ बैठ के ये मांगलिक योग भी बनाता है। आपको मैंने अभी चैप्टर चल रहा है हमारा मांगलिक योग अभिशाप या वरदान, इसी के अंतर्गत ये वीडियो है आपका कि लगन भाव में अगर मंगल होगा तो वो कैसा होगा, मांगलिक योग बनाता है। और 2वें 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य हो तो माता पिता को 28 वर्ष तक खतरा होता है। अगर यहाँ सूर्य चंद्र बैठे हों तो माँ बाप को 28 साल तक ऐसे बच्चे से खतरा होता है। अब इससे हम जो क्या सोचते हैं, इसके क्या विचार करते हैं इसके बारे में, शरीर की दुर्बलता, लगन है भाव, लगन में मंगल बैठेगा तो क्या देगा, जो मंगल बैठा हुआ ऐसा आदमी दुबला पतला होता है, सांवला रंग होता है, शरीर का रंग हल्का सा सांवला होगा, आकृति बढ़िया होगी और रूप ठीक होगा, चिन्ह भी होगा चेहरे पे, आयु का प्रभाव कम दिखाई देगा, आरोग्य रहेगा और शरीर के लक्षण जो है अवस्था के अनुसार उसके ठीक रहते हैं, गुणी होगा, सुख हो दुख, ब्राह्मण आदि जाति, शेर चेहरा, चित्त भांजा, धूप वृद्धि एवं साहस का विचार हम पहले भाव से करते हैं कि इस भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो क्या क्या हमें प्रदर्शित करता है। इसके बारे में ये कहा गया है, अति मति भ्रमताम च कलेवरम बहु साहसम उग्रातम तनु व्रताम कुरते तनु संस्थितो
अवनी सुतो गमना गमना अनुचय, अर्थात मंगल अगर पहले वाम होगा तो जातक को मति भ्रम रहेगा, शरीर में कुछ रोग रह सकता है, शासी होगा और उसके जो व्यवहार है उसमें उग्रता होगी और वो यहाँ वहाँ आना जाना घूमना फिरना वो जरूर करता है। तो प्रथम भाव में जब मंगल यहाँ बैठता है, आपको मैंने इसका परिणाम बताया कि मंगल का यहाँ क्या परिणाम होता है। बात करते हैं द्वितीय भाव की। अगर द्वितीय भाव में मंगल यहाँ धन भाव में बैठा हो तो उसका क्या परिणाम होता है। ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय भाव में मंगल से हम क्या विचार करते हैं। सोना चांदी रत्न एवं धातु का क्रय विक्रय, द्रव्य धन मुक्ता मणि मणि माणिक मूंगा खजाने का संग्रह, संख्या सखा मित्र वस्त्र अश्वकार्य मार्गदर्शन धान संग्रह कुटुंब सुख दक्षिण नेत्र, हमारा जो नेत्र होता है ये साउथ वाला उसे देखते हैं, ये ईस्ट वाला है ये साउथ वाला है, उससे हम दक्षिण नेत्र भी देखते हैं, भोग भी देखते हैं, इसका दास भी देखते हैं, मित्र गर्दन और गला आदि का विचार हम द्वितीय भाव यानी धन भाव से हम करते हैं मंगल के बारे में, कि मंगल अगर द्वितीय भाव में हो तो हमें क्या फल देगा, कैसा विचार करना चाहिए इसके बारे में। इसमें गले की खराबी का विचार किया जाता है, ऐसा है जो जातक झगड़ालू होगा, टॉन्सिल उसके बढ़े हुए होंगे, लोहे लंगर का वो मालिक होगा, जन्म से बड़ा भाई होगा अथवा बड़ा हो, यहाँ पर भी मांगलिक योग का हम विचार करते हैं क्योंकि ये कुटुंब भाव है। धन भाव का मतलब क्या होता है, ये कुटुंब का भाव है, कुटुंब में अगर मंगल यहाँ ऐसी जगह पर बैठता है तो हमें इसके बारे में भी विचार करना बहुत जरूरी होता है, तो हमें यहाँ भी इसे विचार करना चाहिए, कुटुंब भाव यहाँ से भी मांगलिक का विचार अवश्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर, क्योंकि विचार ये परिवार का भाव है और कुटुंब का भाव है, इसलिए इसको मंगल का यहाँ भी हम विचार करेंगे। अगर बुरे काम करेगा ऐसा जातक यहाँ बैठ के मंगल होगा उसका, तो वो झगड़ालू होगा, झगड़ा फसाद करेगा तो उसको कष्ट मिलेगा। सामने ससुराल पक्ष पड़ता है, अष्टम भाव मुझे मृत्यु भाव है, ससुराल का पक्ष है, तो ऐसे जातक को जब इसकी दृष्टि मंगल की यहाँ आती है तो उसको ससुराल पक्ष से लाभ होता है। और खर्चीला होगा ऐसा जातक, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है, मंगल उत्तेजित थोड़ा ग्रह तो खर्चीला भी होगा, घर में थोड़ी जो स्थिति असुविध होगी और मन ऐसे जातक का हमेशा खिन्न रहता है, ऐसा जातक अपने मन से खुश नहीं रहता है जिसका मंगल द्वितीय भाव में होता है, क्योंकि कुटुंब का भाव है और मंगल जैसा ग्रह द्वितीय भाव में बैठेगा तो वहाँ आके ये कुछ न कुछ कुछ न परेशान रहेगा, खिन्न रहेगा, खर्चा ज़्यादा करेगा, घर परिवार वालों से पटरी कम बैठेगी, लेकिन ससुराल पक्ष इसका धनी होगा क्योंकि इसकी जो दृष्टि है पुरुष तल पक्ष पर आती है, और यहाँ से हम देखते हैं तो इसकी जो दृष्टि है विद्या के भाव पर भी आती है, तो यहाँ ये विद्या के भाव में भी कमी करेगा, चतुर्थ दृष्टि इसकी विद्या भाव पर आती है, विद्या के भाव में भी कमी करेगा, और आठवीं दृष्टि भाग्य पर आती है तो भाग्य को भी ये मंद करेगा, अगर द्वितीय भाव में इसका मंगल होता है भाग्य को भी मंद करता है। इसके बारे में कहा है, अधनताम कुजनाम श्रेयताम तथा विमितिताम कृपयात विहीनताम तनुव्रतो विद्वान्ति विरोधिताम धननी केतन गो अवनी नंदन। इसका मतलब होता है कि मंगल अगर द्वितीय भाव में होगा तो मनुष्य निर्धन दुर्जन का साथी निर्बुद्ध दयाहीन और अपने परिवार या कुटुंब का विरोध करने वाला होता है। कुल मिला के यहाँ अगर मंगल बैठता है तो वो किसी भी पॉइंट से किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से यह शुभ प्रभाव नहीं देता है। अब बात करते हैं मंगल की तृतीय भाव में, कि मंगल अगर तृतीय भाव में होगा किसी जातक के तो वो उसका क्या फल होता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, सहज का भाव कहते हैं इसको, बहन भाइयों का भाव कहते हैं इसको, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी की विल पावर का भाव है, यहाँ से उसकी जो पावर है उसको आंका जाता है कि जो आदमी है जो जातक है मंगल यहाँ बैठेगा तो उसको क्या देगा। अब यहाँ बैठने के बाद में भाई बहनों के साथ गड़बड़ जरूर करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा घर परिवार में, और हो सकता है इसका छोटा भाई ना भी हो और कोई गृह स्थिति और ठीक हो तो यहाँ मंगल के बैठने से छोटा भाई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने भी काफ़ी कुंडली देखी है जिनका मंगल तृतीय भाव में होता है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, और उनका छोटा भाई कम ही मिलता है। बड़े भाई बहनों के साथ गड़बड़ करेगा, साहसी होगा, सब्र संतोष परंतु अय्याश जरूर मिलेगा, यहाँ बैठ के अय्याशी जरूर करेगा, अरफन मौला होगा,
दूसरों के लिए बढ़िया रहता है, अपना बुरा होगा, हौसलामंद होगा, इसका जो गृह जीवन है वो थोड़ा यहाँ बैठ के सुखी होता है गृह जीवन, और संबंधियों के स्वास्थ्य आदि से दुखी होगा अगर कोई इसका मित्र या नातेदार रिश्तेदार, क्योंकि ये भाव मित्रों का है और ये मंगल यहाँ बैठा हुआ, तो इन दोनों भाव कॉमन होते हैं, एक दूसरे पारस्परिक संबंध रखते हैं, यहाँ बैठेगा तो उसके जो मित्र हैं यार दोस्त हैं इसके जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनका हालचाल अगर खराब होगा तो ऐसा जातक उन हालचाल खराब होने से खुद भी दुखी होता है, हाथ पर बाहों पर उसके चोट लगने का डर होगा ऐसे जातक को, क्योंकि ये जो भाव है ये हाथ का भाव कहते हैं इसको, यहाँ अगर मंगल बैठा है तो कहीं हाथ पे बाजू पे उसको चोट लग सकती है। इसके बारे में कहा जाता है भाई बहन मृत्यु पतोहु, विचार जो हम जो करते हैं इससे भाई बहन का मृत्यु का पतोहु का मार्ग में चलने का कार्य भ्रंश का पित्र धन का विचार करते हैं, साहस का पराक्रम का दास हो या नहीं इसके विचार करते हैं, दुर्बुद्धि होगा नहीं होगा औषधि का विचार करते हैं, और जो कान है दक्षिणा कर्ण दक्षिण कान की इससे विचार किया जाता है, हाथ का भी और कान का दोनों का विचार किया जाता है। छोटी यात्रा को विचार यहाँ मंगल बैठेगा तो करते हैं चिट्ठी लेख पड़ोसी हाथ बाजू कंधा छोटा भाई और चाचा आदि का विचार हम तीसरे भाव भ्राता भाव से या सहज भाव से करते हैं। बड़े उद्योगपति की कुंडली होती है उसमें अक्सर मंगल तीसरे भाव में भी होता है। बात करते हैं आगे किसके बारे में हमारे ग्रंथों में कहा क्या कहा गया है, भूत प्रसादोत्तम सौख्यम उच्चारता चरु पराक्रमश्य धनान च भ्रात सुखो जिज्ञतम भव्य नरणा सहजे महीजे। इसका मतलब होता है कि मंगल अगर तीसरे भाव में होगा तो राजा की प्रसन्नता से सुख लाभ उदार हृदय पराक्रमी तथा धनवान होता है, किंतु भाई का सुख उसको नहीं के बराबर मिलता है। ये तृतीय भाव में मंगल का फल आपके सामने मैंने आपको बताया कि तीसरे भाव में मंगल होगा तो क्या होगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव के मंगल की। चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव होता है, माता का भाव होता है, सुख भाव होता है, तो इससे बात करते हैं कि मंगल अगर यहाँ चतुर्थ भाव में बैठता है तो उससे हम क्या क्या विचार हमें करना चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल के बारे में बात करते हैं, यहाँ बैठकर मंगल मांगलिक योग भी बनाता है, क्योंकि मैं आपको बताया था जो मांगलिक योग बनता है पहला भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव और बारहवें भाव, इन भावों में मांगलिक दोष जरूर बनता है, तो चतुर्थ भाव में अगर मंगल होगा तो यह मांगलिक दोष भी पैदा करता है। माँ का विचार करते हैं, नानी का विचार करते हैं और सासू का विचार करते हैं, इन पर थोड़ा भारी होता है। अपने मकान पर पेड़ की छाया पड़ती है इसको तो इसको परेशान करेगी। दूसरों पर लेक्चर झाड़ने वाला होगा, प्लाट का जमीन का भूमि का कृषि कार्य का, क्योंकि ये जो भाव है ये जमीन का भाव है, वाहन का माता के कष्ट का कृषि कार्य के लाभ से घर से दूर रहेगा। घर में आग की घटना हो सकती है, ये फायर सर्विस में काम करने वाला होगा और आग से संबंध रखने वाला होगा अगर चतुर्थ भाव में किसी का मंगल होता है तो, इसका ये प्रभाव होता है। इससे विचार करते हैं पिता के धन का, क्षेत्र का, ग्रह का, ग्राम का, भूमि का, बगीचा का, वृक्षों आदि का विचार करते हैं, कुएं का, बापी का, तालाब का, औषधि का, खंडहर या घरे स्थान में जो जाते हैं जो खड्डा हो जाता है उसका विचार इसी से किया जाता है, बंधु बांधव का विचार करते हैं, माता पिता का सुख इससे विचार किया जाता है, मित्रों का विचार यहाँ करते हैं, किसी पदार्थ के बारे में यहाँ विचार करते हैं, किसी निधि धन के बारे में विचार करते हैं, उद्यम का विचार इसी से किया जाता है, भोज पदार्थ का विचार, चतुष्पद जो वाहन होते हैं या चौपहिया जो पशु होते हैं उनका विचार इससे किया जाता है, वाहन का विचार करते हैं, शयन का विचार करते हैं, पर पुरुष रथ का इससे विचार किया जाता है, पेट के अंदर आमाशय का विचार किया जाता है, चेस्ट का विचार छाती का विचार भी इससे किया जाता है, चेस्ट का विचार इसी से, हार्ट अटैक का विचार भी इसी से किया जाता है, ससुर का विचार करते हैं, दादी का विचार करते हैं, और गमागम आना जाना और वृद्धि आदि का विचार हम चतुर्थ भाव के मंगल से करते हैं कि मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो वो हमें किस प्रकार का क्या क्या फल देगा, क्या क्या उसकी संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में कहा है दुखम सुहृद वाहनतः प्रवास है कले बरे रुगबलतावलतम प्रसूति काले किल मंगल कक्षे रसा तलस्ते फल मुक्ति माए। मंगल अगर चौथे भाव में होता है तो जातक को मित्रों और वाहनों से दुख, सवारी से गिरने का भय
और शरीर में रोग से वृद्धि तथा दुर्बलता मिलती है। दूसरे हमारे और ग्रंथों में क्या कहा है, जड़मति रति दीनों बंधु संस्थित भौमे न भवत कुल मारे बंधु दैत्य न सुखी भ्रमति सकल देशे नीच सेवा अनुरक्त परवश परयोपित है लुब्ध चिंतय सदैव। दोबारा सुने इसको, जड़मति रति दीनों बंधु संस्थित भौमे न भवति कुल मौर्य बंधु दैन्येन दुखी भ्रमति सकल देशे नीच सेवानुरक्त परवश योपित है लुब्ध चिंतय सदैव। बुद्धिहीन होगा, दीन होगा, नीच कुल में उत्पन्न होगा, बंधुओं से रहित होगा, विदेशों में घूमने वाला होगा, नीच का सेवक होगा और दूसरों के अधीन और परिस्थिति से प्रेम करने वाला ऐसा जातक होता है जिसका चतुर्थ में मंगल होता है। आज का जो वीडियो है वो मित्रों यहीं तक बना रहा हूँ मैं आपको। मैंने चार भाव के बारे में बताया, लग्न भाव, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव। अगला वीडियो आपको पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम अष्टम चार भावों का मिलेगा। उससे अगला वीडियो आपको भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय का मिलेगा। थोड़ा आप इंतज़ार करेंगे क्योंकि वीडियो एक्चुअली बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो को देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए छोटे छोटे रूप में आपके सामने में ये वीडियो रख रहा हूँ। अभी मैंने आपको प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक मंगल का फल बताया, विचार किया है कि मंगल इन भावों में बैठता है तो हमें क्या देता है। इसके बाद हमारा जो अध्याय आने वाला है वो आएगा लग्नानुसार कि किस लग्न में मंगल कहाँ बैठेगा तो हमें क्या फल करेगा। आप इंतज़ार करें हमारी वीडियो का। मैं महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से आपके सामने, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है आपके लिए धन्यवाद। अगर बाय द वे आपने नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखें, लाइक करें और इसको अपने मित्रों को शेयर करें। मैं आपको वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको लाइक करें चाहे अनलाइक करें, आप कुछ ना कुछ करें जरूर। आप इसको अनलाइक करते हैं तो हमें ये पता होगा कि हमारे वीडियो में क्या कमी है। आपने अगर अनलाइक किया तो उसके बारे में आपको कमेंट भी देना पड़ेगा कि हमारे वीडियो में ये कमी थी, इस वजह से हमने अनलाइक किया है, तो हम उसको जो गलती है, जो कमी है, उसको अगले वीडियो में सुधारने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अनलाइक करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन हमारे वीडियो को देखें जरूर और अपनी राय हमें अवश्य दें। मित्र आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में राय दें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित है। तब तक अगला वीडियो जब तक मैं आपके लिए तैयार करता हूँ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।